जय माता दी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ पोम बाय क्रिस्टीना रोजेटी, दैट इज गॉबलिन मार्केट। यहाँ पे हम बात करेंगे क्रिस्टीना रोजेटी की एक पोम गॉबलिन मार्केट की। ये काफ़ी लंबी पोम है, सो हम इसकी समरी की बात करेंगे। और इस पोम में जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ खास है नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो कुछ तीन चार कैरेक्टर्स हैं और काफ़ी इजी हैं। ये हम पोएम डिस्कस करते टाइम भी, उसकी समरी डिस्कस करते टाइम भी हम पढ़ सकते हैं, बट फिर भी हम पहले देख लेते हैं इनको कि एक लीजी और लॉरा नाम की दो सिस्टर्स हैं। लीजी जो है वो लॉरा को समझाती है कि जो भी गॉबलिन मैन है वो जो अट्रैक्ट करते हैं अपने फ्रूट से, उन टेम्पटेशन को रेजिस्ट करती है वो, और लॉरा को भी वही करने के लिए कहती है, बट लॉरा नहीं कर पाती है और वो गॉबलिन को एक ट्वीलाइट देख लेती है और उनसे वो फ्रूट भी लेकर आती है। जीनी जो है यहाँ पे एक लड़की है जो कि इस जो समरी है पॉम की, इसमें स्टार्टिंग में ही मर चुकी होती है, और इसी का एग्जाम्पल लिजी लोरा को देती है कि जिस तरीके से उसको धोखा मिला, उसने अपनी जान गंवा दी, उसी तरीके से ये जो गॉबलिन मैन है, इनकी बातों में अगर आओगे और इनके फ्रूट्स अगर खाओगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। गॉबलिन्स जो हैं, गॉबलिन मैन जो हैं, वो इस तरीके के काफ़ी वियर्ड से मैस्कुलाइन क्रिएचर्स बताए गए हैं जो कि इनोसेंट यंग वुमेन को टैम्प्ट करते हैं अपने इंचेंटेड फ्रूट से, कि वो फ्रूट सेल करते हैं और किस तरीके से वो उन्हें उन इंचेंटेड फ्रूट से किस तरीके से इनोसेंट वुमेन को यहाँ पे टैम्प्ट करते हैं वो इस हम पोम में देखेंगे। सो शुरू करते हैं हमारी इस पोम की जो समरी है। तो इन स्टार्टिंग हमेशा क्या होता है कि सुबह और शाम के टाइम पे गॉब्लिन मैन जो हैं वो आते हैं और वहाँ पर इस तरीके से अपने जो इंचेंटेड फ्रूट्स हैं, सारे टाइप के फ्रूट वो रखते हैं, उनसे वो जो वहाँ के जो वुमेन हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे लिजी और लॉरा जो हैं वो पानी लेने के लिए, जो पास का एक स्ट्रीम होता है उससे पानी लेने के लिए जाती हैं हर शाम को, और वो भी वो जो टेम्पटिंग कॉल्स जो होती हैं गॉबलिन मैन्स की वो सुनती हैं, जो कि पास से आ रही होती हैं, जो कि वो अपने जो डेलिशियस फ्रूट्स होते हैं वो उनको बेच रहे होते हैं और वो बुला रहे होते हैं। लिजी जो है उसको काफ़ी डर लगता है जब ये गॉबलिन मैन जो हैं वो बुलाते हैं, और लोरा को भी वो कहती है कि तुम इनकी जो भी ये जो बुलाते हैं और टेम्पटिंग कॉल्स देते हैं इनको अनसुना कर दो, तुम इनको सुनो मत और उनकी तरफ देखो भी मत, इस तरीके की चीज़ें वो बताती है लिजी जो है लोरा को बताती है। और ये अपने गोल्डन प्लेटर्स में जिस तरीके से अपने डेलिशियस फ्रूट्स को सर्व करते हैं, दिखाते हैं, बेचते हैं, उनसे तुम्हें बिल्कुल भी इनकी तरफ वो नहीं होना है, टैम्प्ट नहीं होना है। लेकिन वो उसके समझाने के बावजूद भी क्योंकि जो गॉबलिन मैन है उनका जो अपियरेंस है यहाँ पे इनको पोएम में जो है वो काफ़ी डेमोनिक दिखाया गया है, काफ़ी वियर्ड सा दिखाया गया है, जैसे एनिमल्स और मैन जो होते हैं ना, वो एनिमल्स हैं ना वो पर्सन्स हैं, कुछ इस तरीके के हैं, कैट्स, रैट्स, स्नेल्स, इनसे मिलते हुए जिनके विस्कर्स भी हैं, इस तरीके की चीज़ें उसमें दिखाया जाता है कि काफ़ी वियर्ड हैं, डरावने से हैं। लोरा जो है वो उनकी जो आवाज़ है वो सुनती है और वो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और उन जो गॉबलिन मैन हैं, गॉबलिन्स जो हैं वो जो भी गाते हैं, बुलाते हैं अपने फ्रूट्स को सेल करने के लिए, तो वो उधर चली जाती है। उसके बाद में लोरा को ऐसा लगता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, लेकिन गॉबलिन उन्हें कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है कोई भी पेमेंट की, तुम अपना एक लॉक ऑफ हेयर, मतलब एक हेयर्स का गुच्छा, जो कि लोरा के गोल्डन हेयर्स का एक गुच्छा रख लेते हैं फ्रूट्स के बदले में, और लोरा को फ्रूट्स दे देते हैं। लोरा जो है वो उनका फ्रूट जूस लेती है और इंजॉय करती है और फिर घर पे आ जाती है, और साथ में एक छोटा सा बीज लेकर भी आती है वो, और उनका जो स्वीट नेक्टर है वो, जो उनके फ्रूट्स का जो स्वीट नेक्टर है वो उसके दिमाग में छाया रहता है, वो जो वो इंजॉय करके आती है, वो जो फ्रूट खा कर आती है। लीजी जो है वो
जब लॉरा वहां चली जाती है, लीजी वहां से मतलब अपने उनकी तरफ नहीं देखना चाहती थी, गॉब्लिन्स की तरफ, इसलिए वो घर भाग जाती है। और लीजी जो है वो वेट कर रही होती है लॉरा का, और लॉरा इस तरीके से जब फ्रूट खाकर आती है तो लीजी उसका वेट कर रही होती है और उसको डांटती है कि जैसे ही वो घर पे पहुंचती है, लेट पहुंचती है, तो उसे डांटती है कि तुम्हें इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था। और वो सारी वापस से वो टेल सुनाती है अपनी फ्रेंड जीनी की, जो कि वो इस तरीके से गॉब्लिन फ्रूट खाती है, और उसके बाद में वो इतनी परेशान होती है अपनी लाइफ में और एट लास्ट वो मर जाती है, क्योंकि वो इस तरह उनको जो गॉब्लिन्स के फ्रूट से वो और नहीं मिलते हैं, और वो अपनी जान जो है वो गवा देती है। लॉरा जो है वो अपनी सिस्टर को अश्योर करती है कि नहीं सब अच्छा है, और वो कहती है कि मैं कल भी उनसे जाकर फ्रूट लेकर आऊंगी, खाऊंगी वहाँ पे नेक्स्ट डे। तो ऐसी चीज़ें कहती है कि नहीं, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन और उसके बाद में वो घर का काम करने लग जाती हैं दोनों बहनें। दूसरे दिन लॉरा को ये दिखता है कि गॉब्लिन्स की जो कॉल्स हैं वो अब वो और नहीं सुन सकती है, लेकिन लिजी सुन सकती है। इसका मतलब ये है कि जो गॉब्लिन्स हैं वो एक बार जब अपना फ्रूट किसी को दे देते हैं, उनका कोई फ्रूट खा लेता है, उसके बाद में इन फ्यूचर वो उनको उनकी वॉइसेस उनको नहीं सुनाई देती हैं, ना वो उनके फ्रूट्स खा सकते हैं। लीजी को इसलिए सुनाई दे रही थी क्योंकि स्टिल उसने वो फ्रूट्स नहीं खाए हैं। लॉरा जो है वो फ्रूट्स खाना चाहती है और लेकिन उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। वो अपनी हेल्थ लूज करती रहती है क्योंकि उसको जो है फ्रूट चाहिए होते हैं, लेकिन उसे नहीं मिलते हैं। तो वो ना तो वो कुछ खाती पीती है, ना वो कुछ काम करती है, वो बिल्कुल उदास हो जाती है। लीजी जो है वो काफी डर जाती है कि लॉरा भी जीनी की तरह जल्द ही मर जाएगी। सो वो सोचती है कि मुझे इसके लिए फ्रूट्स लाने होंगे गॉब्लिन से। तो लीजी क्या करती है, एक सिल्वर पैनी अपने पर्स में रखती है और गॉब्लिन मैन के पास जाने के लिए डिसाइड करती है कि मैं अपनी बहन के लिए फ्रूट लेकर आऊंगी। सो वो गॉब्लिन्स के पास जाती है और कहती है कि उन्हें उनकी सिस्टर के लिए मतलब लिजी लॉरा के लिए मांगती है फ्रूट्स उनसे, बट गॉब्लिन्स जो है वो मना कर देते हैं। इंस्टेड कि वो लिजी को ही ज्वाइन करने के लिए कहते हैं कि तुम भी फ्रूट खाओ, और इस तरीके का उनको टेम्पटेशन देते हैं, बट वो रिफ्यूज कर देती है। वो गॉब्लिन्स जो हैं उनको बहुत बुरा लगता है, वो उसे पीटते हैं, उसको फोर्स करते हैं वो फ्रूट खाने के लिए, उसका जूस पीने के लिए, लेकिन वो एकदम से मना कर देती है, रेजिस्ट कर देती है। और लेकिन जैसे वो कोशिश करते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, तो उसके फेस पे जो है वो जूस लग जाता है। और बाद में उनको लगता है कि ये नहीं मानेगी, ये वो रेजिस्ट करती है, इसलिए तो वो उसे छोड़ देते हैं। लीजी जो है वो घर आती है और लॉरा को कहती है कि मुझे फ्रूट तो नहीं मिले, लेकिन तुम जो मेरे फेस पे जूस लगा हुआ है फ्रूट का, वो तुम ले सकती हो। दैट मीन्स कि तुम मेरे फेस पे किस कर सकती हो जिससे कि तुम वो फ्रूट का जूस जो है उसका स्वाद ले सको। एंड लॉरा ऐसा ही करती है, और जैसे ही वो जूस जो जाता है उसके अंदर, वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कोई जहर हो। लॉरा एकदम से मतलब बेहोश हो जाती है और गिर जाती है, ऐसे लगता है कि अब वो मरने वाली है। लिजी जो है वो अपनी बहन के साथ में पूरी रात और पूरे दिन उसके पास में रहती है, उसकी देखभाल करती है। फिर जब लॉरा उठती है, उसकी हेल्थ और उसकी ब्यूटी जो है वो रिस्टोर हो जाती है। दैट मीन्स कि जो बीमार हो गई थी उसको फ्रूट ना मिलने की वजह से, उसकी हेल्थ जो खराब हो गई थी, ब्यूटी खराब हो गई थी, वो अब वापस रिस्टोर हो जाती है। बहुत साल गुजर जाते हैं, उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उन दोनों बहनों की, लिजी एंड लॉरा की शादी हो जाती है। और अब दोनों जो बहनें हैं वो अपने बच्चों को भी यही समझाती हैं, जो गॉब्लिन्स हैं उनकी स्टोरियां बताती हैं, उनकी कहानियां बताती हैं अपने बच्चों को। और लॉरा यही कहती है अपने बच्चों से कि उन्हें कभी भी इस तरीके से गॉब्लिन्स जो भी अपने इंचेंटेड फ्रूट से टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं उनसे टेम्प्ट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में एट द एंड ऑफ दिस
पोम वो यही बताती है कि देयर इज नो फ्रेंड लाइक अ सिस्टर. दैट मीन्स कि लॉरा लिजी के लिए कहती है कि अगर लिजी नहीं होती है तो होती तो मे बी उसकी जान नहीं बचती है. तो एक बहन से अच्छा फ्रेंड कोई नहीं हो सकता. इसमें एक बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज दे रखा है कि एक बहन जैसा दोस्त हो ही नहीं सकता है. जिस तरीके से लिजी ने लॉरा की जिस तरीके से हेल्प की, ऐसा और कोई भी नहीं कर सकता मे बी. ये थी पॉम. और इस पॉम में जो है मेनली कि इसमें थीम क्या है, क्या बताया गया है, तो इसमें सेक्सुअल टेम्पटेशन बताई गई है. सो होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन. प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल. पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू.